हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हम और हमारे लड्डू आपको राधे राधे बोल रहे हैं। बोलिए राधे राधे। ये देखिए हमारे लड्डू बाबू की ये नई ड्रेस। आज ये लड्डू बाबू अपनी नई ड्रेस के साथ आपको मिल रहे हैं। देखिए इस ड्रेस पर हमने ये पीकॉक बनाए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर ये 6 पीकॉक हमने इस पर बनाए हैं। ये कली वाली ड्रेस है, ये देखिए। और यहाँ पर हमने इसमें 2 चीट बटन लगाए हैं, यहाँ से इसको हमने सील दिया है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। जितनी ये डिफ़िकल्ट दिख रही है, इतनी डिफ़िकल्ट ये है नहीं। देखिए, और ये ड्रेस हमने 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। 6 और 7 नंबर को अगर इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी से आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो बनाने में देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। देखिए हमारे लड्डू बाबू, देखिए एक यहाँ पर पीकॉक हमने इस बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना शुरू करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाते हैं। यहाँ पर हमने 20 फंदे डाल रखे हैं, ये देखिए। और इसका हमने बॉर्डर तैयार कर लिया है। दोनों साइड से इसको हमने उल्टा उल्टा बना लिया है और टोटल यहाँ पर 4 सलाइयाँ हमने बुन ली है 20 फंदों के साथ। तो ये देखिए, अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 और ये 3, 3 फंदे बॉर्डर के धागा लेंगे पीछे, एक फंदा यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड लेंगे और एक जाली बनाते हुए सीधा फंदा हम बना लेंगे। एक जाली हो गई, फंदा सीधा, धागा अपनी साइड लेंगे और यहाँ पर एक जाली और बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदे पर दोनों साइड यहाँ पर जाली हो गई। इस फंदे पर लास्ट वाला फंदा सीधा, एक फंदा और सीधा, 2 फंदे यहाँ पर ये देखिए सीधे सीधे हो गए पास में। फिर धागा अपनी साइड, एक जाली और फिर धागा अपनी साइड, एक और जाली, एक फंदे पर 2 जाली यहाँ पर हो गई। लास्ट वाला फंदा सीधा, एक फंदा हो गया हमारा सीधा। ये दूसरा, 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड और यहाँ पर ये दूसरी जाली, ये देखिए एक फंदा यहाँ पर, ये लास्ट वाला सीधा है, एक फंदा हम और सीधा बना लेंगे। देखिए, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड, ये दूसरी जाली, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए, सीधा फंदा बनाते हुए एक जाली बना ली, धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा ही हम ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए, ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई बॉर्डर के बाद की। और ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। यहाँ पर ये 3 फंदे हम बॉर्डर के सीधे सीधे, सॉरी, उल्टे बना लेंगे। 3 फंदे हो गए, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा और ये जाली वाला फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी साइड लेंगे और यहाँ पर ये जाली,
एक जाली, फिर धागा अपनी साइड लेंगे और ये जो जाली है इसे भी हम सीधा बना लेंगे। यहाँ पर ये एक फंदे पर दो जाली हो गई दोनों साइड। यहाँ पर ये देखिए, फिर ये एक फंदा सीधा बना चुके हैं, दो तीन और ये चार, चार फंदे सीधे। धागा अपनी साइड लेंगे, यहाँ पर ये जाली बनाएंगे एक, और धागा अपनी साइड लेकर ये दो जाली, एक फंदे पर ये दो जाली हो गई। यहाँ पर ये देखिए, ये एक फंदे पर एक इस साइड जाली और एक इस साइड, और ये फंदा सीधा। देखिए जाली के बाद ये जाली, दो फंदे सीधे और एक फंदा हम और सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा है, तीन फंदे सीधे हो गए और एक फंदा हम यहाँ पर ब्लू कलर से बना लेंगे। एक फंदा ब्लू कलर से, दो फंदे सीधे, फिर यहाँ पर ये जाली और एक फंदा और सीधा बना लेंगे जाली बनाते हुए। ये देखिए, एक फंदे पर ये दोनों साइड जाली हो गई, एक ये और एक ये, ये चार फंदे यहाँ पर सीधे। इस फंदे पर हम फिर से दोनों साइड जाली बना लेंगे, एक जाली और ये दो जाली, फिर ये फंदा सीधा। धागा अपनी साइड लेंगे और ये दो फंदे उल्टे बनाकर दोनों साइड से हमें लास्ट वाला फंदा इसी तरीके से छोड़ना है। देखिए इससे किनारी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी बनेगी। एक फंदा है ब्लू कलर से और एक सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई है, इसे हम उल्टा बना लेंगे। ये जाली वाले फंदे, इनको भी हम उल्टा बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम ये धागा दबा लेंगे और ये फंदा हम वाइट ही बनाएंगे। ये देखिए, धागा हमने यहाँ पर दबा लिया। अब ये फंदा जो ब्लू के पास वाला वाइट है, इसे हम ब्लू बना लेंगे। इसको भी हम ब्लू कलर से बनाएंगे। ये देखिए, और तीन फंदे यहाँ पर ये ब्लू कलर से हो गए, बाकी सारे फंदे हम वाइट बनाएंगे। और इस धागे को हम इस तरीके से दबाते रहेंगे, नहीं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। ये तीन फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे उल्टे उल्टे, एक दो और ये तीन। धागा पीछे करेंगे, फिर से हम जाली बनाएंगे, दो फंदे, ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, इस फंदे पर दोनों साइड हम जाली बना लेंगे। देखिए, बीच वाले सारे फंदे सीधे, फिर इस फंदे पर हम जाली बनाएंगे दोनों साइड। ये देखिए, दोनों साइड ही जाली हो गई। अब हम यहाँ पर ये दो फंदे जो वाइट हैं, इन्हें हम ब्लू कलर से बना लेंगे। ये देखिए, एक दो, दो फंदे हमने ब्लू कलर से बना लिए। ये वाला भी हम ब्लू से बनाएंगे। टोटल यहाँ पर ये तीन फंदे ब्लू कलर से हो गए। ये बीच वाला फंदा हम वाइट से बनाएंगे। ये
फंदा वाइट हो गया, ब्लू को हम ब्लू कलर से बना लेंगे। देखिए, और पूरी सिलाई हम अब वाइट से कंप्लीट करेंगे जाली बनाते हुए। इस धागे को हम इस तरीके से दबा लेंगे। ये देखिए, ये सीधी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये जाली वाला फंदा ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला, और एक फंदा ये वाला। जैसे हमने इस साइड जाली बनाई दो फंदों पर दोनों साइड, ऐसे ही हम इस साइड भी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम ये उल्टी सिलाई बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ तक बुन लेते हैं इसको, फिर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ तक इसको हमने वाइट से बुन लिया है। ये जो ब्लू धागा है इसको हमने यहाँ पर दबा लिया। फ्रेंड्स, इसी का ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये यहाँ तक सारे फंदे हमने ये देखिए वाइट बना लेने हैं, ये पूरी सिलाई में। अब ये तीन फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे, ये वाला, ये वाइट वाला और ये तीन फंदे हम ब्लू कलर से बना लेंगे। एक, दो और तीन, तीन फंदे हुए। दो फंदे जो वाइट बनाएंगे जो ब्लू कलर से बने हैं, इनको हम वाइट ही बना लेंगे। और यहाँ पर ये धागा हम इस तरीके से दबा लेंगे, देखिए। और ये पूरी सिलाई हम बाकी वाइट से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने ये जो बीच में तीन फंदे ब्लू हैं उनको बनाकर पूरी सिलाई वाइट से कंप्लीट कर ली है, और उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, ये इसकी चोंच है और ये आगे डिजाइन थोड़ा सा दिखने लगा। अब यहाँ तक इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बुनकर जाली बनाते हुए। देखिए, यहाँ तक इसको हमने बुन लिया है। फ्रेंड्स, जब हम पहली सिलाई में फंदे बढ़ाते हैं तो उसके बाद ये देखिए, ये एक एक फंदा ये क्लियर थोड़ा दिखने लग जाता है। और इस पर हमें जाली छः बनानी है, छः जाली तक इसको हम बनाएंगे। और देखिए, एक, दो, तीन और ये चार, चार जाली अभी इसकी हो चुकी है। अब ये फंदे हमने यहाँ तक इनको वाइट कलर से बना लिया। ये तीन फंदे जो ब्लू से हैं इनको हम इस सिलाई में भी ब्लू से बनाएंगे, बाकी सारे फंदे हम वाइट बना लेंगे। ये सिलाई हमें सेम ही बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिकोक हम बना रहे हैं इसकी छठी सिलाई है, और ये उल्टी साइड है। ये देखिए, ये तीन फंदे जो ब्लू कलर के थे, इस सिलाई में हम इनको चार बनाएंगे। एक फंदा हम ये यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ये देखिए, एक, दो, तीन और ये चार, चार फंदे ब्लू कलर से हो गए, बाकी सारे हम वाइट से बना लेंगे। धागा हमें दबाना है और ये पूरी सिलाई हम वाइट से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी साइड है और इसकी सातवीं सिलाई है। यहाँ से हमने ये पिकोक इसका स्टार्ट किया है, उसे हम काउंट करें तो ये सातवीं सिलाई है। देखिए, फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए जाली वाले। अब हम यहाँ इस साइड एक फंदा ब्लू कलर से बढ़ा लेंगे। ये देखिए, एक, चार फंदे ये हैं, दो, तीन, चार, पाँच और एक फंदा हम इस साइड को बढ़ाएंगे। दोनों साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ पर ये छह फंदे ब्लू कलर से हो गए, बाकी हमें सारी सिलाई वाइट कलर से कंप्लीट करनी है। जहाँ जाली बनेगी वहाँ जाली बना लेंगे। ये देखिए, ये पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। इस सिलाई में छह फंदे ब्लू कलर से हो गए, दोनों साइड हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस डिजाइन की आठवीं सिलाई है और उल्टी साइड है। ये देखिए, यहाँ पर ये छह फंदे ब्लू कलर से हमने बनाए थे,
और इस सिलाई में हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ तक इसको हमने वाइट कलर से बना लिया, एक फंदा ये ब्लू कलर से साइड को हम बढ़ा लेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे यहाँ पर ये ब्लू कलर से हमने बना लिए। बाकी सारी सिलाई हम वाइट से बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से इसको हम दो तीन बार दबा लेते हैं और ये पूरी सिलाई हम वाइट से बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आठवीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये आठ सिलाई हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये इसकी नाइन्थ रो है और राइट साइड है, इसको हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए दो फंदे छोड़ लेंगे, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया है जाली बनाते हुए। ये फंदा वाइट है, इसे हम वाइट बना लेंगे और एक फंदा यहाँ से हम कम करेंगे। ये जो ब्लू है इनको हम कम कर लेंगे, एक फंदा हम वाइट बना लेंगे। सात फंदे थे यहाँ पर, ये छः फंदे रह गए, इनको हम ब्लू कलर से बना लेंगे। एक फंदा हमने कम कर दिया है, यहाँ पर ये जाली बनेगी। देखिए ये छः फंदे रह गए ब्लू कलर से, बाकी सारी सिलाई हम वाइट से बना लेंगे। जहाँ पर जाली डलेगी वहाँ पर हम जाली बना लेंगे। ये देखिए ये नाइन्थ रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये टेंथ रो इसकी हम बनाएंगे और ये इसकी रॉन्ग साइड है। देखिए इसको यहाँ तक हम दो फंदे छोड़कर पूरी सिलाई वाइट से कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए इसको हमने यहाँ तक बना लिया है। अब ये एक फंदा जो वाइट है इसे हम ब्लू कलर से बना लेंगे। यहाँ पर ये एक और ये दो, दो फंदे हमने ब्लू कलर से बना लिए, एक फंदा वाइट से बनाएंगे, एक फंदा ब्लू कलर से, एक फंदा वाइट से और ये एक फंदा ब्लू कलर से। ये देखिए और ये वाला हम वाइट से बना लेंगे। ये देखिए दो फंदे ये ब्लू कलर से, एक फंदा हमने यहाँ पर ये ब्लू का बढ़ा लिया, दो हो गए, एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू एक वाइट। ये देखिए बाकी सिलाई हम ये वाइट से कंप्लीट करेंगे और धागा हमें ये ब्लू वाला जो है आगे लेकर जाना है बाजू बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से हम इसको दबाते हुए देखिए पहली जाली जो है इसको हम यहाँ तक लेकर आते हैं, बाकी यहाँ लाकर इसको छोड़ देंगे। देखिए ये हमने वाइट कलर से इसको बना लिया और ये ब्लू धागा हमने इसको दबाते हुए यहाँ पर लेकर आए, ये जाली है और यहाँ इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम ये वाइट कलर यूज़ करेंगे और ये पूरी सिलाई जो है उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाला इस तरीके से हम उतार लेंगे। देखिए ये दस सिलाई के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब हम इसमें बाजू निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस पर ये जो छह जाली हमने बनानी थी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः जाली ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू निकालेंगे नहीं, थोड़ा सा बाजू पर ही डिज़ाइन बनाएंगे
उसके बाद हम ही बाजू घटाएंगे, तो इस सिलाई में तो हम ये डिजाइन ही बनाएंगे। तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए तीन फंदे हमने बना लिए, चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह, ग्यारह फंदे ये फ्रंट के हैं। फिर धागा हम पीछे की साइड लेंगे और ये धागा भी हम अपनी साइड लेकर आएंगे, सॉरी पीछे नहीं अपनी साइड, देखिए दोनों धागे आगे लेकर आ गए हम। एक फंदा ये ब्लू कलर से बना लेंगे, एक फंदा वाइट कलर से बना लेंगे, ये देखिए एक फंदा ब्लू कलर से धागा हमें ऐसे रखना है, एक फंदा वाइट से, देखिए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और एक फंदा ये वाला, चौदह फंदे यहाँ पर ये बाजू के हो गए। धागा पीछे करेंगे ये देखिए और यहाँ पर ये यहाँ तक फंदे वाइट बना लेंगे और ये ब्लू कलर का जो धागा है इसे हम साथ रखेंगे, ये देखिए इसे दबाते हुए अपने साथ लेकर चलेंगे। इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर ये हम डिजाइन बनाएंगे। ये ब्लू है इसे हम ब्लू कलर से बना लेंगे, वाइट को वाइट कलर से, फिर ब्लू को ब्लू कलर से, देखिए यहाँ पर ये दो फंदे हम, ये देखिए एक फंदा वाइट का था इसे हम दो बना लेंगे, एक और ये दो, दो फंदे यहाँ पर ये देखिए दो वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू, ये लास्ट में एक फंदा ब्लू है इसको बना लेंगे और एक फंदा हम और ब्लू बनाएंगे, देखिए बाकी सारे फंदे हम वाइट से बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो चौदह फंदे जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया इसी तरीके से ये यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे चौदह फंदों का। देखिए फंदे काउंट करते हैं, जिस फंदे पर ये जाली बनेगी वो फंदा हम आगे रखेंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदे ये फ्रंट के हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये चौदह फंदे बाजू के हो गए, इन पर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, एक फंदा ब्लू से, एक फंदा वाइट से, एक ब्लू से, एक वाइट से, ये देखिए यहाँ तक इसको बनाकर ये चौदह फंदे बना लेंगे और ये फिर ग्यारह फंदे हम वाइट से बना लेंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया था ऐसे डिज़ाइन हमने यहाँ पर ये बना लिया और बाकी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी जो बारहवीं सिलाई है उस पर हैं और ये उल्टी साइड है, ये फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, धागा हम पीछे करेंगे और ये फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये बाजू वाले ये देखिए
जो ब्लू है उसे ब्लू कलर से बनाएंगे और जो वाइट है उसे हम वाइट कलर से बना लेंगे। ये देखिए दोनों धागे हम अपनी साइड रखेंगे। इनको हमने उल्ट इस साइड से सीधा बनाया, फिर धागा हम अपनी साइड रखेंगे। अब ये उल्टे फंदे हम बुन लेंगे। एक फंदा वाइट से, ये देखिए यहाँ पर ये दो फंदे ब्लू हैं, इनको हम तीन बना लेंगे। एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे ब्लू कलर से, एक फंदा हम वाइट से बनाएंगे। ये फंदा जो वाइट है इसे हम ब्लू कलर से बना लेंगे, एक, फिर एक फंदा हम वाइट से बनाएंगे, देखिए, फिर जो ये वाइट फंदा है इसे हम ब्लू कलर से बना लेंगे और जो ब्लू है इसे हम वाइट से बना लेंगे और एक फंदा ये ब्लू कलर से। ये देखिए ये इस डिज़ाइन की लास्ट रो है पीकॉक की। ये तीन फंदे ब्लू, एक फंदा वाइट, एक ब्लू एक वाइट, एक ब्लू एक वाइट, एक ब्लू। ये देखिए तीन फंदे यहाँ पर ये ब्लू कलर से और फिर एक एक करके तीन फंदे यहाँ पर, देखिए। ये फंदे हम वाइट से बना लेंगे। धागा हम पीछे की साइड ले जाकर, ये देखिए, और ये फंदे हम जैसे हमने यहाँ पर ये बाजू के बनाए इसी तरीके से ये बना लेंगे। ये देखिए ये 12 सिलाइयों में पीकॉक जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम सबसे पहले इसके बाजू जो है बंद करेंगे। अब ज़्यादा ठंड फ्रेंड्स नहीं होती इसलिए हम इसके बाजू हाफ ही बनाएंगे। अगर आप फुल बाजू बनाना चाहे तो आप बना लीजिए। ये तीन फंदे उल्टे, ये जो फ्रंट के फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह फंदे सीधे हो गए। फिर ये यहाँ पर हम फंदे बंद करेंगे। इस धागे को हमें साथ रखना है। सॉरी, इस धागे को तो हम ये छोड़ देंगे, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाइट कलर से हम इनको बंद कर देंगे, देखिए इस तरीके से। ये 14 फंदे हैं बाजू के, इनको हम बंद कर देंगे। ये देखिए, और ये लास्ट वाला फंदा हम इसके साथ मिलाकर यहाँ पर बंद कर देंगे। टोटल ये 14 फंदे, ये देखिए घट गए। इसकी बाजू तैयार हो गई। बाकी को हम वाइट से बना लेंगे। ये इसका सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसको
फ्रंट वाला इसकी बैक साइड है, फ्रंट इसका ये है। इसको हम प्लेन बना लेंगे वाइट कलर से। ये देखिए यहाँ पर ये, अब ये जो बाजू है दूसरी, इसको भी हम इसी तरीके से घटा लेंगे और ये फंदे हम वाइट कलर से बना लेंगे। सॉरी मैंने पहले भी शायद इसको फ्रंट बोला हो क्योंकि मेरी याद नहीं है। ये इसकी बैक है और फ्रंट इसका ये है। ये देखिए ये कितनी सुंदर सी डुप्पी को बर्ड है, बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी बाजू भी इसकी हमने बना ली है और सारे फंदे ये जो बैक फ्रंट और बैक के हैं ये सारे अब एक साथ हैं। ये देखिए बाजू निकालने के बाद अब हम इनको उल्टा बुनेंगे। ये उल्टी साइड है, ये देखिए यहाँ पर ये गैप ना रहे इसलिए ये जो दो फंदे हैं इनको हम टाइट बुनेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर भी इसको हमें थोड़ा टाइट ही रखना है और ये जो धागा हमने छोड़ के रखा है इसको हम आगे तक लाएंगे। देखिए इसको हम यहाँ तक छोड़ देंगे। ये देखिए अभी एक सिलाई हमने उल्टी बुन ली है, इसके बाद हम देखिए एक सिलाई तो हमने बना ली, अब यहाँ पर ये सात सिलाइयाँ और बना लेंगे। टोटल आठ सिलाई हम बना लेंगे, ये सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। देखिए ये आठ सिलाइयाँ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, अब हम ये उल्टी एक सिलाई और बना लेंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिलाई हमने और कंप्लीट कर ली है बाजू के बाद की। ये टोटल नौ सिलाइयाँ हमने प्लेन इस तरीके से बुन ली है। ये देखिए अब हम ये सीधी साइड से यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने बाजू में बनाया है ये वाला। देखिए इसके पहले हम लेंथ देख लेते हैं। देखिए 3 इंच की लेंथ बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लेंगे। ये डिज़ाइन कुछ जैसे कमरबंद होता है उस तरीके से थोड़ा सा बना लेंगे, देखने में सुंदर भी लगेगा। एक एक फंदा हम दोनों कलर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे और जैसे ये बनाया ऐसे यहाँ पर बना लेंगे और उसके बाद हम इसका घेर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें जाली बनाएंगे और ये पीकॉक वाला जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर इसमें जो कली बनेंगे इसमें हम डालेंगे।
देखिए धागे दोनों हम इस तरीके से पीछे करेंगे, सॉरी ये ब्लू हम पीछे करेंगे, वाइट हम आगे रखेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर ये तीन फंदे उल्टे बना लेंगे बॉर्डर के, ये देखिए, और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, ये देखिए दो फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और एक फंदा हम जाली बनाते हुए बना लेंगे, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, इसी फंदे पर एक जाली और बना लेंगे, ये देखिए एक फंदे पर ये दोनों साइड जाली हो गई। लास्ट वाला एक फंदा सीधा, एक तो सीधा हो गया, दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा जाली बनाते हुए, फिर धागा अपनी साइड और एक जाली और। हर छठे फंदे पर हमें जाली बनानी है, ये देखिए दो जाली हो गई इस फंदे के ऊपर। लास्ट वाला एक फंदा सीधा, एक हो गया, दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे और छठे फंदे पर ये जाली। लास्ट वाला एक फंदा सीधा, दो तीन चार और ये पांच, धागा अपनी साइड, इस फंदे पर दोनों साइड जाली, ये देखिए। फिर एक फंदा सीधा हो गया, दो तीन चार पांच, धागा अपनी साइड और यहाँ पर ये जाली, फिर धागा अपनी साइड और फिर ये जाली, एक फंदा सीधा, एक हो गया, दो तीन चार पांच, धागा अपनी साइड, इस फंदे पर दोनों साइड जाली, एक जाली और ये फंदा सीधा बनाते हुए, एक फंदा सीधा, ये हमारे यहाँ पर ये तीन फंदे बचे हैं। हमने यहाँ पर तीन फंदे ये बॉर्डर के बनाए, फिर दो फंदे सीधे, और दो फंदे सीधे बनाने के बाद हमने जाली बनाई, तो हमारे यहाँ पर ये लास्ट में तीन फंदे बैठते हैं, तो हम तीन को हम दो बना लेंगे। देखिए एक तो हमने बुन लिया सीधा और ये दो का एक बना लिया, अब दोनों साइड हमारे इक्वल फंदे रह गए, दो फंदे हमारे यहाँ पर सीधे, ये तीन फंदे बॉर्डर के, धागा पीछे करेंगे और फंदा ऐसे उतार लेंगे। लास्ट वाला ये देखिए पूरी उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दो सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं, एक सिलाई में हमने जाली बनाई और दूसरी सिलाई हमने उल्टी, ये तीसरी सिलाई है, इसमें हम हर उस फंदे पर जाली बनाएंगे जिस पर हमने पिछली सिलाई में बनाई थी। तीन फंदे हमने ये बॉर्डर के जो हैं उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, पिछली बार हमने दो फंदे सीधे थे रखे थे इस साइड, अब ये तीन फंदे आ गए, ये देखिए तीन फंदे सीधे, इस फंदे पर दोनों साइड जाली, देखिए इसी तरीके से ये फंदा, इस पर जाली, देखिए इस पर जाली। अब ये क्लियर थोड़ा दिखने लगा है, जहाँ जहाँ हमें जाली बनानी है जाली बना लेंगे, एक ये सिलाई सीधी बना लेंगे, इसके बाद हम एक सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये देखिए इस डिजाइन के बाद की दो सिलाइयाँ सीधी और दो सिलाइयाँ उल्टी, टोटल हमने चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है जाली बनाते हुए। अब दो सिलाई हम और बुनेंगे, उसके बाद हम ये पीकॉक वाली इसमें डिज़ाइन डालेंगे, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी और ये जाली बनाते हुए। जाली हमें हर सिलाई में सीधी में बनानी है, तो यहाँ पर दो सिलाई हम और कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छह सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है, अब इसमें हम पीकॉक बनाएंगे। देखिए तीन फंदे बॉर्डर के उल्टे
धागा हम पीछे करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये जाली जो बनाई है, तो ये सीधे फंदे जो हैं इन पर हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे क्योंकि ये फंदे कम हैं, तो इन्हें तो हम वाइट ही बना लेंगे। और ये धागा हमें साथ लेकर चलना है, ये ब्लू कलर जो है उसे हमें हर दो तीन फंदे के बाद दबा लेना है, नहीं तो जो घेर है इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी और डिज़ाइन हमारा खिंचा खिंचा रहेगा। जाली बनानी है हमें हर सीधी सिलाई में। ये देखिए यहाँ पर हम जाली बना लेंगे। इस तरीके से एक जाली और फिर ये दो जाली, ये देखिए इस फंदे पर जाली है। जाली के बाद देखिए ये एक, ये जो जाली वाला एक फंदा है इस साइड भी जाली इस साइड, तो इस फंदे के बाद एक दो तीन, तीन फंदे एक जाली दो फंदे सीधे, तीन और ये चार, चार फंदे हो गए हमारे जो बीच वाला फंदा है जाली वाला उसके बाद। और यहाँ पर एक फंदा हम ब्लू कलर से बना लेंगे, ये देखिए। इसके बाद इस धागे को हम इसी तरीके से दबाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें जाली बना लेनी है। एक जाली और ये दो जाली, देखिए इस फंदे के दोनों साइड जाली हो गई और एक फंदा ये सीधा। देखिए यहाँ पर हमने ये जाली, एक जाली वाला फंदा भी हम काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद ये ब्लू कलर से बनाया हमने फंदा। अभी यहाँ पर भी ये जाली भी हम काउंट करेंगे, एक दो, दो फंदे हमारे वाइट हो गए, तीन चार और ये पाँच, और पाँच फंदे के बाद एक फंदा ये ब्लू कलर से। ये देखिए यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ये बना लिया हमने एक फंदा, यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर, और लास्ट में हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो जैसे हमने ये एक एक फंदा बनाया है ऐसे हम आगे भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पर ये डिज़ाइन नहीं बनाया। और यहाँ पर ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच जो है यहाँ पर पिकॉक बनने वाले हैं। अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे और ये देखिए यहाँ तक इसको दो फंदे छोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक ये वाइट जो फंदे हैं इनको हमने बना लिया। अब ये फंदा जो ब्लू है यहाँ पर हम तीन फंदे ब्लू कर लेंगे, दोनों एक एक फंदा साइड वाले भी, ये देखिए एक, ये वाला भी दो, और एक ये तीन, तीन फंदे यहाँ पर ये ब्लू कलर से हो गए। फिर ये बीच के फंदे हम वाइट से बना लेंगे। देखिए धागे का हमें ध्यान रखना होगा, देखिए इस तरीके से, और तीन फंदे यहाँ पर ये ब्लू के बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये उल्टी सिलाई के बाद हमने सीधी सिलाई बनाई यहाँ तक, देखिए ये तीन फंदे जो ब्लू हैं इनके पहले दो वाइट है इनको हम ब्लू कलर से बना लेंगे, एक दो, और एक ये फंदा तीन, यहाँ पर ये तीन फंदे ब्लू से हो गए, एक फंदा वाइट और ये वाला फंदा ये ब्लू,
ये देखिए तीन फंदे ब्लू के, एक वाइट एक ब्लू, देखिए ये एक कली का जो पिकॉक है इस तरीके से इसका ये डिज़ाइन है। अब बाकी भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये तीन फंदे ब्लू के बना लेंगे, दो वाइट और एक ये, तीन फंदे ब्लू एक वाइट और एक ये ब्लू, जैसे हमने ये बनाया है बाकी भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम उल्टी सिलाई पर हैं। देखिए ये इस डिज़ाइन की चौथी सिलाई है। एक फंदा ये वाइट ही बना लेंगे और ये देखिए जो ब्लू है इसे हम ब्लू बनाएंगे। यहाँ पर तीन फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे, एक ये वाला भी, दो और एक ये तीन, तीन फंदे ब्लू कलर से हो गए। ये दो फंदे हम वाइट से बना लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये तीन फंदे हमें ब्लू कलर से बनाने हैं, बाकी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पीकॉक के हमने जहाँ से ये पीकॉक बनाना शुरू किया चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए अब पांचवी सिलाई बनाएंगे। पांचवी सिलाई हम सेम बनाएंगे, ये तीन फंदे जो ब्लू कलर से हैं इनको हम ब्लू से बना लेंगे, बाकी हम वाइट से बनाएंगे। तो हमें ये तीन फंदे ही बनाने हैं इस सिलाई में। ये देखिए फ्रेंड्स ये पांच सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं इस डिज़ाइन की। ये छठी सिलाई है ये देखिए, और ये उल्टी साइड है। तो इस साइड हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, ये तीन फंदे हैं ब्लू से इनको हम चार बना लेंगे। ये देखिए एक दो तीन और ये चार, चार फंदे ब्लू कलर से हो गए, बाकी सारे हम वाइट से बना लेंगे। ये देखिए एक एक फंदा हमें बढ़ाना है, ये तीन है तो ये पहले वाला फंदा हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये चार चार फंदे हम ब्लू कलर से बना लेंगे और ये छठी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये अब हम सातवीं सिलाई पर है और यहाँ से ये फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये देखिए ये चार फंदे जो ब्लू हैं इस सिलाई में हम इनको छह बना लेंगे। दोनों साइड से हमें एक एक बढ़ाना है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। ये देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ गया, छः फंदे हो गए। इसी तरीके से हमें बाकियाँ भी बना लेनी है। चार के हमें एक इस साइड से लेना है और एक इस साइड से छः छः फंदे ये बना लेने हैं। ये सातवीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये सात सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये आठवीं सिलाई है, इसमें हम एक एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे। ये छः फंदे थे इनको हम सात बना लेंगे। देखिए एक एक फंदा ये वाइट है इसको हमने ब्लू कलर से बना लिया, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे ये ब्लू कलर से हो गए, बाकी हम ये वाइट से बना लेंगे। और इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा हमें ये देखिए ये जो छह फंदे हैं एक हमें इस साइड बढ़ाना होगा, एक एक फंदा। ये देखिए फ्रेंड्स ये एट्थ रो हमने कंप्लीट कर ली है और ये देखिए अब हम नाइन्थ रो पर हैं और ये सीधी साइड है। ये देखिए इस साइड से हम ये एक फंदा ये ब्लू कलर का जो है इसको कम कर लेंगे। ये सात फंदे हैं इनको हम छह बना लेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने कम कर लिया, ये हमने वाइट बना लिया, ये छह फंदे हम
ब्लू कलर से बनाएंगे, दो तीन चार पाँच और ये छः, बाकी सारे फंदे हम ब्लू कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये छः फंदे रह गए, यहाँ पर भी ये सात फंदे हैं, तो पहला हम वाइट बना लेंगे, एक एक फंदा हम कम करेंगे और ये फंदे छः रह जाएंगे। इस तरीके से नाइन्थ रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दसवीं सिलाई है और उल्टी साइड है। ये देखिए ये एक फंदा जो वाइट है इसे हम ब्लू कलर से बना लेंगे एक, और ये भी हम ब्लू से बनाएंगे, दो फंदे ब्लू कलर से, एक फंदा वाइट, एक ब्लू, एक वाइट और एक ये ब्लू। लास्ट वाला जो ब्लू कलर है इसको हम वाइट से बना लेंगे, बाकी सारे फंदे हम वाइट से बनाएंगे। ये देखिए ये दसवीं सिलाई में हमने एक फंदा ये इस साइड को हमने ब्लू कलर से बढ़ा लिया एक, और एक ये दो, दो फंदे ब्लू से हो गए, एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू, बाकी सारे फंदे हम वाइट बना लेंगे और इस तरीके से दसवीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर ये ग्यारहवीं सिलाई पर हैं और ये सीधी साइड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने वाइट बना लिए, ये जो ब्लू कलर से है इसको हम इसी कलर से बना लेंगे, एक फंदा हम वाइट से, फिर एक फंदा ये ब्लू से, ये देखिए ब्लू को ब्लू से बना लिया और वाइट को वाइट से, ये एक फंदा वाइट है, यहाँ पर हम दो फंदे वाइट के बनाएंगे एक और ये दो, ये एक फंदा ब्लू का बचा इसको हम दो बनाएंगे एक और ये दो। ये देखिए ग्यारहवीं सिलाई में हमने जो एक फंदा ये यहाँ पर वाइट है इसको हमने वाइट बना लिया, ब्लू को ब्लू से बना लिया, वाइट को वाइट से, ब्लू को ब्लू से, फिर यहाँ पर ये दो फंदे हमने वाइट के बढ़ा लिए एक ये और एक ये जो ब्लू है इसे वाइट का बना लिया और लास्ट में हमने ये दो फंदे ब्लू के बना लिए। इस तरीके से ग्यारहवीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये इस डिज़ाइन की ट्वेल्थ और लास्ट रो है, ये दो फंदे ब्लू है तो इनको हम यहाँ पर तीन बनाएंगे, एक फंदा ये हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक दो और ये तीन, तीन फंदे ब्लू कलर से बना लिए, एक फंदा वाइट बना लेंगे, एक फंदा ये ब्लू कलर से, एक फंदा वाइट, फिर एक फंदा ब्लू कलर से, एक फंदा वाइट और एक फंदा ये फिर ब्लू कलर, बाकी सारे फंदे हम वाइट कलर से बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये एक फंदा इस साइड को बढ़ा लिया तो ये तीन फंदे ब्लू कलर से हो गए, एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू। देखिए इस तरीके से ये ट्वेल्थ रो में हमने बनाया, बाकी पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक ये सारे डिज़ाइन हमने बना लिए हैं और लास्ट में ये इस धागे को हम यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे। देखिए इस धागे को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ये देखिए ये पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, इस धागे को हमने यहाँ पर छोड़ दिया और ये देखिए अब हम यहाँ पर चार सिलाइयाँ प्लेन बना लेंगे वाइट कलर से और ये हमें जाली बनानी होगी। जाली बनाते हम चार सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये चार सिलाइयाँ बुन ली है। ये देखिए
अब ये बाउंड्री पर हम यही डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने यहाँ पर और यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर यही डिज़ाइन बनाएंगे और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स ये अब हमने इस जो ड्रेस को जो है बंद कर दिया है। देखिए यहाँ पर इस धागे को हम कट करेंगे और ये देखिए अभी हम इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे, धागे वगैरह जो है इसके कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसके धागे तो हमने कट कर दिए हैं, अब इसमें यहाँ पर ये दो चिट बटन हम लगा लेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और आप अगर चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं। ये पहले चिट बटन हम इसमें लगा दें और फिर हम इसको कान्हा जी को पहना कर आपको दिखाएंगे। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ पर ये चिट बटन लगा दिए हैं, अब हम ये ड्रेस अपने कान्हा बाबू को पहना कर दिखाते हैं। देखिए ये वाला इसका फ्रंट है और ये खुला हुआ जो इसका पार्ट है इसको हम बैक में करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कान्हा जी के लिए पीकॉक वाली जो ड्रेस है बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए हमारे कान्हा जी, तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए ड्रेस, कान्हा जी को पहनाइए, कमेंट करके हमें बताइए हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हम सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।